फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैंने शराफत भाई की शॉप पे विजिट किया है। इनके पास देखते हैं कौन कौन से रिंग्स हैं, क्या क्या एक्सेसरीज हैं इनके पास। तो चले हैं बात करने शराफत भाई से। अस्सलाम वालेकुम जबरान भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अच्छा बताएं कि कौन कौन से रिंग्स आप बनाते हैं, किसके बर्ड्स के बनाते हैं? बजरी, पिंक, कॉकटेल, जावा, लबर्ड्स, लोडिनो और गिरे पैरेट, पहाड़ी, ये सब रिंग बनते हैं हमारे। अच्छा, तो ये किसके बन रहे हैं रिंग? ये लबर्ड्स के बच्चों के। ये लबर्ड्स के बच्चों के बन रहे हैं, सही हो गया। और ये क्या पर पेयर पड़ता है रिंग जो है? ये 27 रुपये का एक रिंग है। 27 रुपये का एक रिंग बनता है। अच्छा, कबूतरों में जो फैंसी इम्पोर्टेड जो होते हैं वो कितने का रिंग पड़ता है एक? वो 40 रुपये से शुरू है। 40 रुपये से शुरू है? हाँ, 40-50-60 जैसे जैसे फैंसी आगे बढ़ते जाते हैं ना, बड़ा होते जाते हैं रिंग, उसके हिसाब से पैसे। और ये बजरी वगैरह का कितने का पड़ता है? बजरी वगैरह का भी 27 रुपये का होता है। 27 रुपये का पड़ता है जी। पहाड़ी के बनते हैं, गिरे पैरेट के, मकाओ, मुर्गियों तक के बनते हैं यहाँ पे। अच्छा दिखाएं फिर आप कौन कौन से हैं रिंग्स में। ये देखें पैंट्स, ये रिंग जाएंगे और ये बने रहे। ऑल वराइटीज़ के रिंग बनते हैं सारे। ऑल वराइटीज़ के रिंग बनते हैं। और बर्ड से देखिए, सी बर्ड, ग्राउंड बर्ड। इस पे जो ये मशीन नेम की मशीन होती है जी, लेवल प्रिंटिंग होती है। लेवल प्रिंटिंग है, एक कंप्यूटराइज होती है, रहे कंप्यूटर पे इन्होंने लिखा हुआ है और ये यहाँ पे इस पे प्रिंट हो रहा है। आप दिखाएं क्या क्या एक्सेसरीज होती हैं आपके पास, क्या क्या बनाते हैं आप? ये हमारी अपनी निडिल है, अपनी हैंडमेड है, ये कंप्लीट पूरी एसएस की निडिल है। ये लबर्ड की हो गई, फिंच की हो गई, बजरी की हो गई, कॉकटेल्स, कंप्लीट वैरायटी है निडिल्स की भी। अच्छा, कंप्लीट वैरायटी है निडिल्स की। सिरिंज भी होती है इसके अंदर, है ना? सिरिंज के साथ होती है, सिरिंज लगती है इसके आगे फिट कराने के लिए। सही है, तो ये आप लोग खुद बनाते हैं जी? अच्छा, और कौन कौन सी हैं आपके पास? पिंच की भी है? पिंच की निडल्स भी हैं सारी, ये पिंच की है, छोटी होती है पिंच की, बारीक। सही हो गया। ये आ गई कॉकटेल की, रिंग नेक की भी यही होती है। सही है, गिरे पैरेट होती है, मकाओ होती है। और ये जो नेम प्लेट है ये क्या चीज़ है? ये केज टैग हम लोग बना रहे हैं ना, जो परिंदों के पिंजरों पे लगते हैं ना। जैसे अगर 100 पिंजरे हैं तो केज टैग बनते हैं, 100 की गिनती हो गई। सही है, हर पिंजरा डिस्क्राइब हो गया, एक दो तीन के नाम से गिनती चल गई। सही हो गया। इसी तरह ये गाय के टैग भी हमारे पास प्रिंट होते हैं, ये अभी सादे हैं, कोरे हैं, ये अभी प्रिंट नहीं हुए हुए। अच्छा, ये प्रिंट नहीं हुए हुए? हाँ, ये प्रिंट होते हैं हमारे पास, ये भी प्रिंट होने आते हैं।
सही हो गया। गाय ये काओ के हवाले से हैं सारे, काओ के हवाले से हैं सारे जी। और ये जो रिंग्स हैं ये वाले रिंग्स, हाँ ये मुर्गियों के रिंग्स हैं, ब्राह्मण हो गई, अंबर श्री हो गई और आयाम सेमानी, ये आयाम सेमानी जी जी। अभी नई ये चली हुई है नस्ल जो है आयाम सेमानी, सही हो गया। ये सब रिंग होते हैं हमारे पास। अच्छा ये किसके रिंग जो है, टेम बर्ड्स को डाली जाती है, चेन है ये जी, चेन होती है, यानी ये इसको हम रिंग नेक को डालेंगे, सही है, और पहाड़ी को डालेंगे, ग्रे पैरेट की होती है, मकाओ की होती है, काकाटूस की होती है। तो ये आपकी बनी हुई है? ये हम खुद बनाते हैं, हमारे पास होती है, अवेलेबल है। अच्छा ये देख सकते हैं, हाँ। ये इनकी खुद बनाई हुई चेन है जो टेम बर्ड्स को डाली जाती है। तो आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दें शराफत भाई, किसी को अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो कॉल कर ले आपको। 0300-22-71-1929 सही हो, 0345-22-71-1929 सही है। चलें शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने टाइम दिया है और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड देखा आपने शराफत भाई के पास क्या क्या चीज़ें हैं, और वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।